हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एडवांस लाइसेंस में हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम हमारे इंपोर्ट कंजप्शन मटेरियल की कितनी हुई, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं और शिपिंग बिल में कैसे इसको ऐड करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई अपने एक एडवांस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जिसमें हम इम्पोर्ट करने वाले हैं रॉ मटेरियल। सॉक्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसके लिए हम एक लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो जो हमारा इम्पोर्ट है वो 600 मेट्रिक टन है। ठीक है, और उसका जो एक्सपोर्ट है वो लाइसेंस बनने के बाद आता है तो उसमें मेंशन होता है कि कितना परसेंट करना। तो 97% आपको एक्सपोर्ट करना है इम्पोर्ट का, तो ये 582 मेट्रिक टन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है इसका। ठीक है, जैसे हमारी डील हुई सप्लायर से, हमने सप्लायर को बता दिया कि हमें 600 मेट्रिक टन आप रॉ मटेरियल दीजिए। ठीक है, तो उसको इंडिया में आने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी ड्यूटी फ्री कराने के लिए हम एडवांस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे और लाइसेंस ले लेंगे। तो क्या प्रोसीजर होगा, जैसे ही हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया 600 मेट्रिक टन का, ठीक है, वो डिस्पैच करे वहाँ से, उससे पहले हम यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करवाएंगे जिसमें हमें एडवांस लाइसेंस लेना होगा जो कि 600 मेट्रिक टन का है, जिसमें हमें ड्यूटी फ्री करवाना है। ठीक है, वैसे तो हम इसको ड्यूटी फ्री करवा के भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जब आप कोई इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर रॉ मटेरियल्स कंजप्शन जो करते हो उस पर ड्यूटी फ्री होती है, ऐसी स्कीम है एडवांस लाइसेंस की, तो वो हम ले सकते हैं। तो इसमें हमें ये फायदा होगा कि हमारी इसमें जितनी भी ड्यूटी बनेगी वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो ड्यूटी इसकी फ्री होगी वो एक अलग चीज़ है, बट हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन सेशन में समझ लेते हैं कि कैसे वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अब हमने एक लाइसेंस बनवा लिया, उसमें एज पर एच एस कोड, इम्पोर्ट एच एस कोड, एक्सपोर्ट एच एस कोड डाल के हमारा लाइसेंस बन गया गया। उसमें मेट्रिक टन लिखा है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितनी फुलफिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 582 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, जो 600 मेट्रिक टन हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है सॉक्स बनाने के लिए उसके, तो इन दोनों का जो रेशियो वो कितना 97% का हो गया। ठीक है, इम्पोर्ट का हमें 97% एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, और इसका भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, जैसे 600 मेट्रिक टन डिवाइड बाई ये इसका इंटू 100% टू यहाँ पे 1. ये भी यहाँ पे आ चुका है 100%, 100 सॉरी। ठीक, तो 103% आपका बन रहा है एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में इंपोर्ट मटेरियल। ठीक है, तो 3% का डिफरेंस है। ठीक है, तो 3% क्या है, ये हमारा वेस्टेज है, वेस्ट हुआ जो मटेरियल हमने इम्पोर्ट किया उसका वेस्टेज बन के 3% है। तो रॉ मटेरियल में 6 मेट्रिक टन इम्पोर्ट किया था और उसका हमने फिनिश गुड बनाए सॉक्स, और ये एक्सपोर्ट करें तो कितना बनेगा 582 मेट्रिक टन। ये हमारा एक एक रेशियो बना दिया, लाइसेंस में मेंशन है ऑलरेडी, तो लाइसेंस के बेस पे हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो शिपमेंट निकालनी है, हमें 582 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे पहली शिपमेंट हमने 100 मेट्रिक टन की निकाली, तो उसका कितना परसेंटेज कंजम्पशन हुआ, ये वो हम यहाँ से कर लेते हैं इनटू परसेंटेज इनटू इनटू ठीक है। यहाँ पे इसका रेशियो हम निकालेंगे 103%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा टू ये परसेंटेज, और फिर इनटू, तो 103 मेट्रिक टन आपका यहाँ पे कंजप्शन हुआ 600 मेट्रिक टन में से। पहली शिपमेंट में हमने कितना खत्म हो गया 600 मेट्रिक टन से, ये इसका लेस हो गया आपका। मैं भी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं माइनस, ये पहली शिपमेंट करने के बाद हमारा इतना और बच गया। फिर हमने दूसरी सेकेंड सेकेंड शिपमेंट की, उसमें 200 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया, तो कंजप्शन कितना हुआ इसका आपका, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसका कितना परसेंट, ठीक है,
हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ये इसका 103% इंटू 103 का परसेंट, और ये नया 206% हो गया। तो अब हमारा कितना बचा है, 375 मेट्रिक टन और बच गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में हमारा रॉ मटेरियल कंजप्शन हुआ है वो हमें साथ साथ मेंशन करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट लाइसेंस पे, ताकि हमें पता रहे कि कितना एक्सपोर्ट और करना है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही हमने तीसरी शिपमेंट निकाली 182 मेट्रिक टन की, ठीक है, इसमें हमारा इसका इंटू परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है, 182 इंटू 103% कंजप्शन है इसका परसेंट, तो कितना 182% इसमें निकल गया, 187, और हमारा कितना बच गया, 187 बचा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, 375 बचा था, इसके बाद ये इसमें से कटेगा ना, प्रकार से इसमें से ये कटेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट शिपमेंट हमारी 100 मेट्रिक टन की है, तो इसमें हमें कितना इसका 103 मेट्रिक टन निकालेंगे, 103% ऑफ द ठीक है, तो अब ये इसमें से ये घटेगा, तो हमारा जीरो एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ पे इस वाली शिपमेंट के बाद हमारा पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा, ये 600 मेट्रिक टन ही आएगा, देखो ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गई है और हमारा एक्सपोर्ट भी कंजप्शन पूरा हो गया। तो इस सेशन में हमने ये समझने की कोशिश की है कि जब हम एक्सपोर्ट के टाइम पे शिपिंग बिल कैलकुलेशन करते हैं वो किस टाइप से करते हैं, ठीक है।